नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। तो आप तीन वायर पर गुजारे सही आने ऐसे अचार बहुत ही नमन करते हैं और इसमें हिंदू मुसलमान का रावण को भी मैंने जमीन दोष होना। अब कुछ लोग ये मान के नहीं आए तो चलिए ठीक है, क्योंकि उतना भोकर होकर नहीं बोल और साल भर से ज्यादा चीजों पर हो गया। कुछ आपको दिया हम इसके पक्ष में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है ठीक नहीं आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक सूचना के आधार पर बनाया और वो सूचना का आधार था कि धनबाद जिला भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। स्थान और समय हमको नहीं मालूम लेकिन हम चूंकि राजनीति में और कांग्रेस में ही 50 वर्षों से हैं तो हम तो हमारे ऊपर आरोप लग सकता है, हम उसको खींच सकते हैं, लेकिन हमारे दल के ऊपर लगे तो वो तो हमारे बर्दाश्त की चीज़ नहीं। और इन्हीं कारणों से आप सभी लोगों को तकलीफ दिया इसलिए दिया कि आप लोग प्रतिदिन लोगों से मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। अब अखबार को आज जो लोग देखा होगा जिसकी कटिंग तो गई होगी सब जगह, पब्लिक रिलेशन के दिल्ली से लेके दौलताबाद तक ये कटिंग गई होगी, तीन तीन प्रदेश की पुलिस छापा मार, कलकत्ता, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार से ढुल्लू महतो की तलाश हो रही। अरे पहले तुम नहीं था क्या? पहले तुमको तलाश नहीं लेने का जगह था तो भूल किया तो अपनी भूल का पश्चाताप कर रहे हैं और इसमें जो दोषी लोग हैं वो उनको भी भोगना पड़ेगा। अब तो वो चले गए, मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार जाना ये भी झारखंड का इतिहास है, दूसरे जगह का नहीं है। अब आप लोगों के सामने बहुत अदब से हमारा अनुरोध है कि आज महाशिवरात्रि के दिन आप लोग एक मिठाई खाइए और बेलॉस होकर, बेलॉस वर्ड है, एक वर्ड है बेखौफ और दूसरा वर्ड है बेलॉस, बिना लाग लपेट का आप हमसे प्रश्न कीजिए, हम आपको उत्तर देंगे। लेकिन ये आपसे अनुरोध होगा कि ये जिक्र मत कीजिए कि उस महिला ने ये कहा, क्योंकि उस बात का हम जवाब नहीं थे कि हम तो देखा कि हमारी डॉक्टर नेहा को जो हमारी भगनी है जो बेटी है उससे जाके विधायक करा दिया, हमारे जो भगना है बिट्टू उसके ऊपर केस करा के उसका करियर खराब कर दिया। उस दिन ये लोग नहीं रो रहे थे, पूरे चुनाव के दिन, पार्लियामेंट के चुनाव के दिन 25 आदमियों को मार के उनका पैर हाथ तोड़ दिया, उस दिन लोगों को नहीं लगा कि ये गैर इंसाफ हो रहा। तो गैर इंसाफ अगर नहीं हो रहा तब तो आपको ठीक है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो मॉनिटर्स है, जो रास्ता बताने वाले हैं, जो चंद शब्द कहने कहलाने वाले हैं, उन लोगों को भी थोड़ा संयम बढ़ता है। अब एक महिला के बारे में दूसरी महिला कहे कि बदचलन है, हम तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन उस महिला के मुंह में भी तो जबान होगी। और हमारी सोच तो यह है कि कानून मुस्तैदी से काम कर रही है, पहले भी हम लोग शांत बैठे थे, आज भी शांत हैं जब तक कि कोई विधि व्यवस्था का प्रश्न नहीं खड़ा। आप पर आरोप है कि कांग्रेस और गठबंधन की जो सरकार बनी है उस कारण आप लोग दबाव बना करके हिंदू मातों को परेशान कर रहे हैं। किसके ऊपर? विधायक जी के ऊपर।
अगर दबाव बनाएंगे तो किस बात को लेकर बनाएंगे? कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तो खुल के बोलो ना। वो जो आरोप लगा दे, आरोप या झूठा केस जो लगाया जा रहा है उस पर उनका कहना है, उस पर लगाया जाए तो पुलिस क्या बोलेगी कि हम और जाहिर साहब बोले? षड्यंत्र में आप लोग का भी नाम दिया जा रहा है कि षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है। फोटो है क्या वो पुलिस वाला जो किया था उसमें कहीं हमारा फोटो खींचा है क्या? हम अपना घर से दूसरे जगह जा ही नहीं सकते, एक तरफ हम स्क्रैप हैं, दूसरे तरफ सहयोग है। ये तो भाई अब हर आप लोगों को तो मुलाकात बात होती रहेगी, लोगों को भी समझाइए कि हर चीज की एक सीमा होती है। पार्लियामेंट में असेंबली में झूठ बोलने का, झूठ अगर कोई शब्द यूज करेगा तो उसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया, उसकी जगह पर मिथ्या वर्ड जोड़ना पड़े जोड़ना हो, क्योंकि सब चीज का प्रोटोकॉल बना है। अब आज तो लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं तो नियम यह है कि अगर आपको कुछ पूछना है कहना है तो आप अपनी उंगली उठाइए, स्पीकर पे उत्तर देंगे, आपको बुलाएंगे फिर। लेकिन वो सब बातें तो खत्म हो गई हैं, अब तो खाते अब तो कोयला की बात चल रही है, ये किसी के मुंह में आवाज नहीं आ रही है बिना हो जाए। 100 रुपया पर क्या बोलते हैं टैंकर, 100 रुपया का जो भी जिनका पानी पर टैंकर, यही जनप्रतिनिधि का काम है, इसकी शिकायत नहीं होगी। अब फिर तो हमको तो वो अजीब लगता है, वो उधर बोलता है कि चाचा हमको चाचा का आशीर्वाद मिल गया, और दूसरा तरफ बोलता है कि स्क्रैप है। तब अभी पति पत्नी आपस में फरिया में कि चाचा है कि स्क्रैप है, दोनों में से अपना फरिया के बोल दो। लेकिन आप लोग कहेंगे बहुत शालीनता से हमको जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा संयम इस बार इस मामले में मीडिया ने रखा है, और मीडिया के ऊपर कोई दबाव नहीं आया है कि जो सो न्यूज तुम बनाओ, इसकी बहुत हमको हम बड़ी बड़ी प्रशंसा करते हैं। और आप तमाम लोगों को आमंत्रित करते हैं कि 2 बजे रात में अगर हमसे मुतल्लिक कोई मामला है या हम कोई मदद कर सकते हैं या आपकी हमको मदद की आवश्यकता है तो 2 बजे रात में भी हमारा दरवाजा खुला हो।